नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्विस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी मुझे जानते हैं स्वाति, और मैं आज आपको डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ पीजीटी के। जैसे ही अभी लास्ट वीक में जो है आपने देखी कि पोस्ट अभी आई है आपकी, तो उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि पीजीटी और टीजीटी के लिए जो पेपर 1 होता है हमारा, ये वाली वीडियो जो है ये बहुत के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन यहाँ तक कि आप हिमाचल प्रदेश के और भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 जो है, बहुत सारी मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैम पेपर 1 पे जो है आप वीडियोज बनाइए। बिल्कुल, मैं आज पेपर 1 पे जो है आपको वीडियो बनाने वाली हूँ, और पेपर 1 के बारे में डिटेल से आपसे बात करने वाली हूँ। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो अभी पोस्ट निकली है पीजीटी की, उसके लिए भी आपका पेपर 1 होने वाला है। अगर आप देने वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट देने वाले हैं, तो पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना होगा। देन सेकेंड में आपका फिर सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, चलिए ये तो बात हुई। साथ में ये भी बता दूं, साथ में आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये भी है कि अभी जो है आपके सेट के एग्जाम भी आ गए हैं। ठीक है, जो स्टेट लेवल पे आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है प्रोफेसर बनने के लिए, वो भी आपका आई थिंक आज की डेट में ही, मैंने तो अभी नोटिफिकेशन देखी है तो आप भी चेक कर लेना, तो वो भी आ चुकी है। तो जो पीजीटी की तैयारी करेंगे और सेट की भी हो जाएगी, सेट की तैयारी कीजिए, पीजीटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी आपकी, है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं पेपर 1 के रिगार्डिंग। तो हमारे पास जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, बैच 03 जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 के लिए। इससे पहले 2 बैच हमारे रनिंग पे थे पेपर 1 के लिए। आप भी अगर हमारे साथ ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्टडी सर्विस हमारा ऐप है, आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। प्रवीण सर आपको समझा देंगे कि क्या क्या इसकी जो है किस तरह से आपने ज्वाइन करना है। अच्छा, हम क्या प्रोवाइड करते हैं वो भी बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि पेपर 1 में होगा क्या। ठीक है, तो लाइव क्लासेस रहती है हमारी, फुल सिलेबस की रहेंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस 250+ क्लासेस रहती हैं, मॉक टेस्ट रहते हैं, लाइव क्लास टेस्ट रहते हैं, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा अब मैं पेपर 1 की आपको डिटेल में बता देती हूँ कि पेपर 1 जो है आपका वो क्या क्या उसमें आपको पूछा जाएगा और किस तरह से आपका पेपर 1 रहेगा। तो आई होप आप सबको व्हाइट बोर्ड जो है वो विजिबल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 की कहानी अब हम समझने वाले हैं। पेपर 1, अगर आप हिमाचल प्रदेश के एचपीपीएससी का कोई भी टेस्ट देते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो पेपर 1 होगा। पेपर 1 में क्या बोला गया है, चाहे जैसे अभी पीजीटी निकले है तो मैं एग्जांपल पीजीटी ही ले लेती हूँ। पीजीटी में क्या है कि आपका 2 तरह के पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है आपको पहले भी इन्होंने क्लियर बताया था कि इसमें जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाई करने के लिए रहेगा। और इसमें इस बार जो बताया गया है पीजीटी के जो नोटिफिकेशन है उसमें ये बताया गया है कि इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 50 क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे विथ नेगेटिव मार्किंग। क्या बता रखा है कि साथ में क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, और ये जो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 बता रखी है। साथ में बता रखा है ऑप्शन जो है मैं बता देती हूँ, आपके 5 ऑप्शन होंगे किसी भी क्वेश्चन के, 5 ऑप्शन होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी, जैसे भी उनको ठीक लगता है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है वो 5 ही होंगे। जो 5th ऑप्शन होगा वो नॉट अटेम्प्टेड का होगा, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको उसका आंसर नहीं आता है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, नॉट अटेम्प्टेड पे क्लिक करेंगे, राइट। इसके अलावा पेपर आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी हो सकता है। ये जो पेपर 1 है आपका, ये 1 आवर का होने वाला है, 1 घंटे का आपका होने वाला है। ठीक है जी, चलिए तो ये है क्वालिफाई आपका, कि आपको क्वालिफाई करना है। देन आपका पेपर 2 की वैल्यू होगी। पेपर 2 जो है पीजीटी में आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लो आपका पॉलिटी सब्जेक्ट है ना, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है ना, लोग हिंदी है या हिस्ट्री है या आपके बायो है, जो भी पोस्टें आई हैं, बहुत सारी पोस्टें आई हैं, मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो जो भी आपकी पोस्ट है उसके रिगार्डिंग जो आपका सिलेबस रहता है, जो भी आपने
पीजी के दौरान पढ़ा होता है। लगभग आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टैंडर्ड आपने पीजी का रखना है। इलेवेंथ और ट्वेल्थ के लिए आप पढ़ाएंगे ये कंफर्म है, बट स्टैंडर्ड आपका कैसा होना चाहिए? पीजी का। इसीलिए तो पीजी की है आपने, है ना, कि आप जो है लगभग इतना स्टैंडर्ड रखते हो कि आप पीजी के क्लासेस को अच्छे से पढ़ा सकते हो, और जो उसमें पढ़ रखा है आपने वो सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए। सब्जेक्ट आपके अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बता रखे, लेकिन हर आपको पता है, अगर आप सेट की तैयारी कर रहे होंगे, नेट की तैयारी कर रहे होंगे, आपको पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो मेरिट जो बनेगी, मेरिट कौन से पेपर की बनेगी? मेरिट बनेगी आपके पेपर टू की, पेपर टू की बनेगी। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं, ये तो आपको कहानी समझ आ गई पीजीटी की। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पीजीटी के नहीं है, बल्कि सिर्फ पेपर वन के लिए मेरे पास यहाँ पे वीडियो में रुके हुए हैं। चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पेपर वन जो है वो सिर्फ पीजीटी के लिए नहीं है, पेपर वन जो है टीजीटी के लिए भी है, या फिर आप और भी एचपीपीएससी के एग्जाम देंगे उसके लिए भी है। तो पेपर वन जो है, हमने पहले ही कहा, वो चार सेक्शन में डिवाइड है, चार सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, इसमें चार सेक्शन कौन कौन से हैं वो बता देती हूँ। एचपीजी के हैं, ठीक है, और फिर आपका जो है जीके है, ये 30-30 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन कितने होंगे वो जब आपके जिस भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी उसमें बता रखा होगा। जैसे पीजीटी में 50 क्वेश्चन बोले हैं इन्होंने, टीजीटी में हो सकता है पैटर्न चेंज हो सकता है या फिर सेम हो, कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी भी आएगी 20 मार्क्स की नंबर की, और 20 नंबर की ही आपकी इंग्लिश भी पूछी जाएगी। ठीक है जी, तो ये फुल सिलेबस है आपके पेपर वन का। और मैंने कहा कि नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो वो नेगेटिव मार्किंग अभी सिर्फ मैंने पीजीटी के लिए बताई है, बाकी एग्जाम की नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा कि कितने नेगेटिव मार्किंग है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसके बीच में हमें क्या पढ़ना है, इसके बीच में हमें क्या पढ़ना है, या हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो फिलहाल ये तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो एक एक टॉपिक बता दूंगी, या फिर जैसे ही आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो मैं कोचिंग ज्वाइन करने के लिए भी बता देती हूँ। आपने क्या करना है, स्टडी सर्विस जो है डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो आप करेंगे प्ले स्टोर से, अपने प्ले स्टोर के फोन से प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें। आप जो है 70 नंबर यहाँ पे लिखा होगा, सॉरी 70 बोल रही हूँ, 7591046600 पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं चलता है आप यहाँ से कंफर्मेशन ले सकते हैं, ये ऑफिशियल नंबर है हमारा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, देन आपने जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद जो है आपने बैचेस ऑप्शन होगा वहां पे, या स्टोर आपको लिख रखा होगा। ठीक है, ये मैं एंड्रॉइड के लिए बता रही हूँ, स्टोर ऑप्शंस और या बैचों को उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको अपने बैच मिल जाएगा, बैच नंबर 3 अभी जो है हमारा लेटेस्ट पेपर 1 के लिए स्टार्ट होने वाला है, तो लॉन्च हो चुका है। आपने एडमिशन्स लेनी है, आप एडमिशन्स ले सकते हैं, बैच नंबर 03 लेटेस्ट है, 1 और 2 पहले कंप्लीट होने ही वाले हैं, वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो 03 है। अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन, 7591046600 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है, अन्य किसी नंबर पे संपर्क ना करें, मैं पहले ही कह रही हूँ इसी नंबर पे आप संपर्क करें। तो आई होप आपको मेरी द्वारा बताई गई चीजें जो है वो सब क्लियर हुई होंगी, किस तरह से पेपर वन है या फिर पीजीटी में क्या है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि पीजीटी का एग्जाम कब तक हो जाएगा, जहां तक मेरा आइडिया है दिसंबर तक हो जाएगा, मेरा आइडिया बोल रही हूँ मैं, अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म डेट नहीं आई है, बट मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग और आज तक जो आइडिया मैंने लगाया है वो अक्सर हुआ है, आई होप ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं, आप जल्दी से जाकर के वेबसाइट में जो है इनकी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एचपीपीएससी की, तो इस पे जाकर के आपने जो है अपना फॉर्म फिल कर लेना है, जल्दी से अपना अकाउंट क्रिएट करिए। अगर आप पहले से क्रिएट है वहां पे तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, फिर तो आपने जल्दी से जो है फॉर्म भरना ही है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से तैयारी करिए,
और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं मिलके, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और पीजीटी के भी कुछ कोर्सेज बच्चे कह रहे थे लॉन्च करने के लिए, तो ट्राई करती है। हिंदी का होगा पीजीटी, हिंदी का हम लॉन्च करेंगे कोर्स अभी जल्दी ही। पीजीटी हिंदी का अगर आप क्लासेज ज्वाइन करना चाहेंगे हमारे साथ तो कर सकते हैं। साथ में हो सकता है पॉलिटिकल साइंस का भी हम लॉन्च करें, तो ये दो कोर्सेज तो हम लॉन्च कर सकते हैं और जल्दी ही करेंगे। जैसा भी रहेगा आपको बता दिया जाएगा। आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप देख रहे हैं हमें Facebook पे, तो आप Facebook पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। Facebook के बाद आप हमें YouTube पे भी स्टडी सर्विस को जरूर जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ, आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच।